हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑटो कंपेयर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं भारत की सबसे सस्ती फैमिली हैचबैक कार्स के बीच में, जहां पर पहली गाड़ी का नाम है ऑल्टो 800 और दूसरी गाड़ी है डैटसन की रेडिगो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कोई दो मॉडल्स के बीच में कंपेयर करेंगे, जहां पर हमने लिया है ऑल्टो 800 का VXI प्लस मॉडल जिसकी कीमत है 3,94,000 रुपया, और हमने लिया है दूसरी गाड़ी डैटसन रेडिगो की 1S मॉडल जिसकी कीमत है 3,90,000 रुपया। तो 4,000 रुपया सस्ता है यहां पर डैटसन का रेडिगो ऑल्टो से। शुरुआत करते हैं डिज़ाइन से। तो देखिए, आपको ऑल्टो 800 में 16 mm का ज़्यादा लंबाई देखने को मिलता है, लेकिन वहीं आपको रेडिगो में आपको 70 mm का ज़्यादा चौड़ाई और 66 mm का ज़्यादा हाइट देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू ऑल्टो। और इस सेगमेंट की कार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हाइट की होती है, तो यहाँ पर डैटसन रेडिगो ने काफ़ी अच्छा काम किया है कि 66 mm का ज़्यादा बेहतर हाइट दिया है। बूट स्पेस की बात की जाए तो ऑल्टो 800 के VXI प्लस मॉडल में आपको 177 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, वहीं आपको डैटसन रेडिगो में आपको 222 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो बहुत से लोगों को यहाँ पर रेडिगो का डिज़ाइन बेहतर लगने वाला है और बहुत से लोगों को ऑल्टो 800 का डिज़ाइन बेहतर लगने वाला है। आपको भी इसका डिज़ाइन बेहतर लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात करें इंजन्स की, तो आपको ऑल्टो 800 आपको 800cc का FAD पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि जनरेट करता है 47.3 BHP का पावर विद द टॉर्क ऑफ 69 Nm। ये गाड़ी 3 सिलेंडर इंजन है। और वहीं बात करें डैटसन की रेडिगो 1S मॉडल की, तो इसके अंदर आपको 1000cc का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि जनरेट करता है 67 BHP का पावर विद द टॉर्क ऑफ 91 Nm विद 3 सिलेंडर इंजन। अब दोस्तों इंजन्स की मैं बात कर रहा हूँ तो आपको रेडिगो का इंजन ऑब्वियसली ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू ऑल्टो। एक तो सस्ता भी है और ज़्यादा पावरफुल इंजन भी दे रहा है रेडिगो, पर इतना ही नहीं, एक और फैक्टर होता है माइलेज। माइलेज किसका ज़्यादा बेहतर है ये जानते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्यूल टैंक आपको ऑल्टो 835 लीटर का और डैटसन रेडिगो में 28 लीटर का देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर ARI वैल्यू बताता हूँ। दोनों ही गाड़ी 20 से लेके 22 किलोमीटर प्रति लीटर का आपको माइलेज निकाल कर दे देती हैं, आपकी ड्राइविंग हैबिट पे डिपेंड करती है। अब दोस्तों माइलेज की बात करें ना, तो दोनों गाड़ी लगभग आसपास का ही माइलेज निकालती है, 20-22 ही चलता रहेगा। अब ऑडियो के मामले में तो आपको यहाँ पर एक सिंपल सा ऑडियो प्लेयर और 2 स्पीकर्स दी गई है। अब भाई लो बजट सेगमेंट की गाड़ी है, तो हमें यही उम्मीद थी और यही मिला, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब सेफ्टी के नज़रिए से बात करें तो आपको ऑल्टो 800 में एक चीज़ थोड़ा अच्छा लगेगा कि इसमें आपको 2 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं, और वहीं डैटसन रेडिगो में आपको सिर्फ 1 एयरबैग देखने को मिलता है। और आपको ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, साइड एंड फ्रंट इंपैक्ट बीम, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, एंटी थेफ्ट डिवाइस दोनों ही गाड़ियों के इस मॉडल के बीच में उपलब्ध हैं। बात करें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो आपको एडजस्टेबल स्टीयरिंग ऑल्टो 800 में देखने को मिल जाती है, जबकि रेडिगो में नहीं दी गई है। लेकिन आपको कप होल्डर फ्रंट आपको रेडिगो में देखने को मिलता है, ऑल्टो में नहीं दिया गया है। रियर पार्किंग सेंसर, AC हीटर, कीलेस एंट्री जैसे बेसिक सुविधाएँ दोनों ही मॉडल में उपलब्ध हैं। अब आपको 12 इंच का पहिए आपको ऑल्टो 800 में देखने को मिलते हैं और आपको 13 इंच के पहिए रेडिगो में देखने को मिलते हैं। तो आफ्टरऑल पूरा कंपैरिजन हो चुका है कंप्लीट, कौन सी गाड़ी आपके लिए रहेगी सही, चलिए वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपकी नीड इंजन थी तो मैं कहूँगा जी भाई रेडिगो ले लो, लेकिन अगर आपकी नीड माइलेज है तो भी आप इन दोनों में से कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन डिज़ाइन वाइज बात करें तो मुझे पर्सनली रेडिगो ज़्यादा बेहतर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू ऑल्टो 800, पर ये आपका मैटर है, डिज़ाइन ये आपका मैटर होती है। इंटीरियर्स की फ़ोटो आप एक बाई एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप कंपेयर करके बताइए कि आपको किसका इंटीरियर ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। सेफ्टी की नज़र से आपको ऑल्टो 800 में एक चीज़ अच्छा देखने को मिलता है कि 2 एयरबैग्स दे रही है, जबकि डैटसन आपको सिर्फ 1 एयरबैग देखने को मिलती है। तो गाइस यहाँ पर सस्ती भी है डैटसन और फीचर्स थोड़ा सा अच्छी दे रही है, लेकिन आपको ऑल्टो 800 सस्ती थोड़ी सी महंगी है, ज़्यादा नहीं, 4000 कुछ होते नहीं है कार्स के मामले में, लेकिन आपको 4000 पे अधिक लगाने में आपको 35 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है और आपको 2 एयरबैग्स का फ़ायदा देखने को मिल रहा है और एडजस्टेबल स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। इन दोनों में से कौन सी गाड़ी आपकी फेवरेट है ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आपको ऑल्टो 800 में सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन आप चाहें तो रेडिगो में आप इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट ले सकते हैं। आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ऑटो कंपेयर को। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑटो कंपेयर।